Hello friends, I welcome you all. Today I have been given these questions by one of the students. Who gave it to me? What's your name? Nisha. Nisha. Okay, thank you, Nisha. Her questions are based on fishing, right? The first one is, why do people go fishing? Why do people go fishing? Ab do plus go, go hi rahega. Means first form hi rahegi. Do plus first form is equal to first form only. So क्या लगता है आपको क्यों जाते हैं फिशिंग के लिए? The answer is well, it may be because of profession or for adventure. Full stop. Those living on the coastal areas, जो समुद्री तट पे रहते हैं, they have it as vocation, VOCATION, as vocation. Vocation is काम काज के लिए, रोजी रोटी के लिए vocation. Whereas others go, Otherwise, others go, जो दूसरे वाले जो हैं, go fishing when they are on vacation. अब vocation और vacation में फर्क देखो, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे vocation और vacation में फर्क पता है. वोकेशन क्या होता है? काम काज के लिए वोकेशन, रोजी रोटी के लिए वो फिशिंग करते हैं. कई लोग जो वेकेशन क्या होता है, छुट्टी मौज मस्ती, वेकेशन VACATION, उस पर जब जाते हैं तो वो एंजॉय करते हैं कि छुट्टियां हैं, चलो फिशिंग करेंगे, दैट्स फॉर फन. तो ये आपका आंसर हो गया, राइट. सेकेंड इज, डू यू लाइक ईटिंग फिश और डू यू लाइक टू ईट फिश? इफ यू ईट फिश, आई एम सॉरी, ये आंसर आपको सूट नहीं करेगा. उसको बोलो, आई एम वेजिटेरियन बिकॉज नेचर हैज गिवन अस अ लॉट. आई एम वेजिटेरियन एज नेचर हैज गिवन अस अ लॉट. और नेचर कहना तो ठीक है, नहीं तो आप फ्लोरा कह सकते हो, FLORA, जो वेजिटेशन का किंगडम है, राइट, हैज गिवन अस अ लॉट. मोर ओवर disease free fish is not available in the market. Disease free, bimari na ho fish ko, aisa nahi ho sakta, right? Maybe it has eaten a lot of garbage, bahut kooda khaya ho sakta hai, ho sakta chemicals khaye hue hain usne, consume kiye hue hain, fine. Third one is, where can we see fish? तुम कह सकते हो, it may be the sea, a river, a pond. Pond क्या होता है गांव की भाषा में? जोहड़, right? Pond में देख सकते हैं. And आयन भी लगा सकते हो, और भी लगा सकते हो, और in an aquarium बना होता ना, जिसमें रंग बिरंगी मछलियां होती हैं, और इन ए रूम एक्वेरियम, AQUARIUM, एक्वेरियम में. वो बड़ा अनफॉर्चुनेट सा लगता है, वो मछलियां कहाँ कहाँ के जीने वाली होती हैं, उनको पकड़ के 10-12 को डाला होता है वो. चलो, एनीवेज, नाउ फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट द आइडिया कि एग्जैक्टली फिशिंग के ऊपर कैसे बोलना है. थोड़ा सा और अगर क्वेश्चंस आते हैं, डू यू लाइक फिशिंग, राइट? डू यू लाइक फिशिंग के ऊपर आप ये भी कह सकते हैं कि वेल, आई डोंट बिलीव इन किलिंग्स और ब्लडशेड्स. ये भी कह सकते हैं, मुझे किलिंग्स और ब्लडशेड्स बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट? Fine. So this is how you can handle this question. That's all. Thank you very much. Like, share, subscribe, comment. Thank you.